बल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आवाकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बहना, बड़सू, मांडल चक्कर, भंगरोटू, नागचला में जनसभाएं की। इस मौके पर प्रकाश चौधरी ने कहा कि भाजपा नेताओं में डर का आलम है कि गली मोहल्ले और गांव की नुक्कड़ सभाओं में केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार के लिए उतारा जा रहा है। पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में जितना विकास हुआ है, इसे देखते हुए भाजपा के लोग अब वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचता देख केंद्रीय मंत्रियों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सहयोग से विकास के नए आयाम स्थापित कर समूची बल घाटी को आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और जो बोला गया था वो काम किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नाकामियों को छुपाने के लिए दिन प्रतिदिन नए ड्रामे करती रहती है। केंद्र सरकार ने लोगों को केवल सपने दिखाए, कभी नोटबंदी तो कभी GST लगाकर आम जनता को केवल ठगा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ व आम जरूरत की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा तो क्या स्वयं नरेंद्र मोदी सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के विकास के मामले में हर बार भेदभाव किया है। मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे, उनके कार्यकाल में नहीं इतने रोजगार के साधन उपलब्ध हुए जितने वीरभद्र सिंह ने करवाए, और इतने विकास का है, वो तहसीलें इन्होंने बनाई, सब डिवीजन बनाए, कॉलेज खोले, स्कूल खोले, सड़कें बनाई, पानी की स्कीमें इन्होंने लाई, जहाँ जो कुछ मांगा वो इन्होंने किया, हर क्षेत्र को दिया। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ वीरभद्र सिंह मैंने सब पंचायतों में काम किया है, डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, काम किया है, इसमें किसी ने नहीं विरोध किया। आज इनका विरोध हो रहा है गुजरात में, सारे कपड़े पर टैक्स लगेगी और इससे कितनी महंगाई होगी ये आपके सामने। फिर बोलते हैं फूल देखो जी, फूल कहीं मैं सुने बोले फूल देखना बढ़िया लगा, क्या करूं। तो ये बातें हैं, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखो अपने काम के लिए दौड़ना पड़ता, पाटू चर्चे करा और फील्ड अंदर जाया करा, और जैसे कोई नाराज है तो जो मनाया करा, कैसे मीटिंग करा।